अरे कल तो तेरा बर्थडे पार्टी कहाँ दे रहा है? हाँ, पार्टी कहाँ दे रहा है? यार मेरे पापा ने मुझे पैसे नहीं दिया, बता मैं कहाँ से लाऊं पैसे? मेरे पास है पैसे। तू जब देखो पैसा पैसा करता रहता है। कहाँ पैसे फेंक रहे थे तुम सब? ये पैसे की वैल्यू जानते हो तुम सब? पता है ये पैसे कितने कीमती हैं? कहाँ से आता है ये पैसा? मैं जानती। हाँ बोलो, कहाँ से आया? पापा लाते हैं। तुम्हारे पापा तो लाते हैं, लेकिन दुनिया में पैसा कहाँ से आया, मैं वो पूछ रही हूँ, मालूम है? नो मैम। तो ठीक है, आज मैं तुम्हें सबसे पहले यही बात करूंगी कि दुनिया में पैसा कहाँ से आया, पैसा कहाँ से आया और हमारी जिंदगी में पैसे की कीमत क्या है, ये आज हम बात करेंगे, ठीक है? और इसके लिए आज मैं तुम्हें सबसे पहले एक वीडियो दिखाती हूँ। आज हम देखेंगे कि पैसा की शुरुआत कैसे हुई। सबसे पहले ये पैसा नहीं था हमारी लाइफ में, आपको पता है बहुत पहले पैसे की जगह लोग चीजों का आदान प्रदान करते थे। तो देखोगे वीडियो? यस मैम। ठीक है, तो अब हम वीडियो देखते हैं। यस मैम। आपका छोटे से गांव धनवानपुर में स्वागत है, जहां पर जीवन बहुत सरल है और हर व्यक्ति मेहनत करता है। आप सही समय पर आए हो। यह अब पेड़ के नीचे साप्ताहिक कहानी सुनने का समय है। आओ सभी साथ बैठकर कहानी सुनते हैं। गांव के पुराने दिनों के बारे में हमें कुछ बताएं। मेरे प्यारे बच्चों, उस समय यह गाँव बहुत अलग था। बहुत समय पहले हम साधारण जीवन जीते थे। उस समय मशीनें नहीं होती थी और हम बहुत मेहनत करते थे। किसान रामू मक्की के खेत में काम करता था। सुमन खेत में से फूल इकट्ठा करती थी। समीर एक कलाकार था जो हमेशा रंगदार मोती इकट्ठा करने में लगा रहता था और इन मोतियों के सुंदर गहने बनाता था। सागर मछुआरा जो सारा दिन समुद्र में रहता था, ताजी मछलियां पकड़ता था और शाम को बाल्टी भरकर घर लाता था। मनी एक लोहार था जो अपनी हथौड़ी से कृषि के औजार बनाता था। रानी जंगल में से फल इकट्ठा करती थी और बाजार के दिन हम सभी गांव के केंद्र में इकट्ठा होते थे और हम सभी अपनी जरूरत के हिसाब से वस्तुओं का आदान प्रदान करते थे। परंतु जल्दी ही हम एक मुसीबत में पड़ गए। क्या आप मुझे इन फूलों के बदले भुट्टा दे सकते हो? मुझे फूल नहीं चाहिए, परंतु मुझे एक नया हल चाहिए। आपको पहले फूलों की जगह एक हल लेना पड़ेगा और फिर आप मुझसे मक्की ले सकते हो। क्या आप इन फूलों को लेकर हल दे सकते हो? मैं इन फूलों का क्या करूंगा, पर मुझे एक हार चाहिए जिसको मैं अपनी पत्नी को उपहार के रूप में देना चाहता हूँ। पहले आप अपने फूलों को बदलकर हार ले लो, तब मैं आपको हल दे दूंगा। मुझे फूल नहीं चाहिए, मेरे घर मेहमान आने वाले हैं। मैं यह काम ताजी मछली के बदले कर सकता हूँ। पहले आप अपने फूलों को बदलकर मछली क्यों नहीं ले आते और फिर मैं आपको इसके बदले हार दे दूंगा। मुझे फूल नहीं चाहिए, मुझे मीठे आम चाहिए। पहले आप फूलों के बदले मीठे आम लेकर आओ, फिर आप मेरे पास आ जाना। अब मैं क्या करूं? मेरे फूल लेने को कोई तैयार नहीं, परंतु मुझे मक्की चाहिए। गांव का सरपंच शिव सुमन के पास आया। उसको लगा कि सुमन की भी वही मुश्किल है जो दूसरे लोगों की है। सुमन, हम हमेशा एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु नहीं ले सकते। इसके लिए हमें एक सांझी वस्तु निश्चित करनी पड़ेगी। मैं कुछ नया सोचता हूँ। आओ एक क्रिया करते हैं। वस्तुओं के साथ व्यापार कभी कभी ठीक है,
पर अब समय है हमें और वस्तुएं खोजने की जिनके साथ व्यापार हो सके, कुछ ऐसा जिसे सभी व्यापारी स्वीकार करें और जिसके साथ व्यापार आसान हो जाए। मछलियों के बारे में आपका क्या विचार है? क्या इनके बदले दूसरी वस्तुओं का व्यापार कर सकते हैं? मछलियों को साथ लेकर जाना आसान नहीं है, यह बहुत जल्दी सड़ जाएंगी और यह सही सुझाव नहीं है। मेरे हिसाब से हमें एक पेंट की हुई सिप्पी प्रयोग में लानी चाहिए। यह एक अच्छा विचार है, इसको एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना भी आसान है और समुद्र के किनारे बहुत हैं। यह अलग अलग रंगों में है और दुर्लभ है, नहीं तो कोई भी व्यक्ति धोखा कर सकता है, साधारण सिप्पी दे सकता है। लोगों ने सिप्पियों द्वारा व्यापार करना आरंभ कर दिया। एक भुट्टे के लिए 15 सिप्पियां देनी पड़ेंगी। जल्दी ही बाजार सिप्पियों से भर गया और लोग बहुत खुश थे, परंतु जल्दी ही इनको ले जाना मुश्किल हो गया। ज्यादा वस्तुएं खरीदने के लिए बहुत बड़ी मात्रा में सिप्पियां ले जानी पड़ती थी। मैंने नई नीले रंग की सिप्पियां बनाई हैं, जो 50 लाल रंग की सिप्पियों के बराबर होगी। अब आपको अपने पास ज्यादा सिप्पियों को रखने की जरूरत नहीं होगी। सिप्पियों के साथ व्यापार बहुत मशहूर हो गया। जल्दी ही दूसरे गांव वालों ने धनवानपुर गांव वालों की बात मान ली। जल्दी ही लोगों ने सिप्पियों को पैसे के रूप में प्रयोग करना शुरू कर दिया और सिप्पियां कम पड़ने लगी। बहुत सारे लोगों ने सिप्पियों की जगह कोई दूसरी वस्तु का प्रयोग शुरू कर दिया, जैसे कि रंगदार पत्थर, छड़ियां आदि, परंतु जल्दी ही वह भी खत्म हो गए। अंत में मनी लोहार ने एक नया सुझाव दिया। उसने लोहे के गोल टुकड़े पैसों के रूप में बनाए और वह सिक्के कहलाने लगे। सिक्के भी बहुत भारी हो जाते थे, ज्यादा पैसों के लिए बहुत भार ले जाना मुश्किल हो जाता था। इसी कारण से कागज के पैसे बनाए गए। जल्दी ही धनवानपुर गांव व्यापार का केंद्र बन गया। दूसरे व्यापारियों ने भी धनवानपुर आना शुरू कर दिया और बहुत सारी दुकानें खुल गई। बहुत सारे परिवार धनवानपुर में रहने के लिए आए और गांव बहुत बड़ा हो गया। समय के साथ साथ धनवानपुर गांव ने और तरक्की की। गांव में नई सड़कें, स्कूल, दुकानें आदि बन गई। एक साधारण सिप्पी के सुझाव से शुरुआत हुई, जिस कारण पैसे की खोज हुई और हमारे गांव का नाम रोशन हुआ। धन्यवाद। कैसा लगा वीडियो तुम्हें? बहुत अच्छा। अच्छा था ना मैम? हाँ, पर मैं उन भैया ने फूल क्यों नहीं लिए? अरे उनको चाहिए नहीं होंगे। उनको तभी ले लेना चाहिए था। उन्हें नहीं पसंद था फिर भी? हाँ, तभी लेना चाहिए था। अच्छा रहा। तो मुझे एक बात बताओ कि अगर किसी को चीज नहीं पसंद तब भी ले लेनी चाहिए? हाँ, लेना चाहिए, जरूरत ना हो तब भी। हाँ। ये थोड़ी घड़ी बहुत सुंदर है। थैंक यू मैम। मैं ले लूँ क्या? नो मैम, मेरे पापा लाए हैं। फिर क्या, मैं तुम्हें एक चीज दूंगी इसके बदले में। मैम क्या? मैं तुम्हें ये दूंगी मार्कर। मैम ये तो बहुत सस्ते है और मैम मेरी घड़ी महंगी है। तो फिर क्या है, ले लो। एक घड़ी तुम मुझे दे रहे हो, मार्कर मैं तुम्हें दे रही हूँ। नो मैम। देखो, अब राजू को नहीं चाहिए मार्कर, क्योंकि उसे लग रहा है कि ये सस्ता है। और अभी क्या कह रहा था, फिर भी ले लेना चाहिए। यही तो प्रॉब्लम है। पहले जमाने में वस्तु विनिमय प्रणाली चलती थी। कौन सी प्रणाली? वस्तु विनिमय प्रणाली। माने एक चीज के बदले में दूसरी चीज लेना। तो अब इश्यू यही था, प्रॉब्लम यही था कि हर व्यक्ति को ये लगता था कि जो चीज मेरे पास है वो महंगी है और जो दूसरा व्यक्ति मुझे दे रहा है वो सस्ती है। तो इसलिए आदान प्रदान का जो ये सिलसिला था ये धीरे धीरे खत्म होने लगा। और फिर क्या आया? फिर आया पैसा। फिर लोगों ने पैसे का इजाद किया। उसकी स्टैंडर्डाइज्ड वैल्यू हुआ करती थी, तो हर चीज की एक कीमत निर्धारित कर दी जाती थी और उसके बदले में फिर पैसे के बदले में वो चीज ले ली जाती थी। ठीक है? Yes, और पैसा इजाद होने के बाद हर वस्तु की एक कीमत निर्धारित कर दी जाती है और जितनी उस वस्तु की कीमत हो उतना पैसा देकर वो वस्तु खरीद ली जाती है। ओहो, ये पैसे तो मेरे हाथ में भी रह गए। वैसे मुझे बताओ कि ये पैसों से तुम क्या कर रहे थे? मैम कल ना अशोक का बर्थडे और हमने उसके लिए अच्छे गिफ्ट खरीदने के लिए पैसे इकट्ठे किए थे। ओ मैम, पर लेकिन अशोक तो हमें पार्टी ही नहीं दे रहा। मैम हम सोच रहे कि उसे हम पार्टी भी दें और गिफ्ट भी दें। अच्छा, अच्छा आइडिया है।
वैसे आशु को क्या गिफ्ट देने वाले हो? वीडियो गेम। अच्छा वीडियो गेम क्यों? क्योंकि क्योंकि उसे इच्छा है वीडियो गेम खेलने की। अच्छा और बैट बॉल क्यों? मैम लेकिन उसने तो कुछ दिन पहले क्रिकेट अकेडमी ज्वाइन की थी जिसके लिए उसे बैट बॉल चाहिए, इसलिए हमने सोचा उसे बैट बॉल दे दें। ओके तो अब क्या दें इसको आशु को? वीडियो गेम, बैट बॉल, वीडियो गेम, बैट बॉल। मैं हेल्प करूं तुम्हारी? यस मैम। अब हम वीडियो देखते हैं। यस मैम। सिमी, गौरव वो उनके दोस्त बहुत ही जोशीली वार्तालाप कर रहे हैं। उनका दोस्त राहुल अगले हफ्ते 10 साल का हो जाएगा, तो वो सब उपहार के लिए सोच रहे हैं। राहुल गेम पसंद करता है, चलो एक वीडियो गेम खरीदते हैं। पर वो अब स्कूल की क्रिकेट टीम का हिस्सा है, क्यों ना उसे एक अच्छा क्रिकेट बैट दिया जाए? ये अच्छा व उपयोगी उपहार होगा। बैट बेकार लगता है, क्यों ना एक बढ़िया वीडियो गेम दी जाए। हेलो सागर अंकल। ओह क्या हाल है बच्चों? क्या बात है अंकल, आप बड़े परेशान लग रहे हो। मैं सोच रहा था कि मेरी रेडी बहुत छोटी है, मैं पैसे की बचत कर रहा हूँ और सोच रहा हूँ कि अब मैं मछली बेचने के लिए दुकान खोल सकता हूँ। यह एक अच्छा सुझाव है। एक ऐसी झोपड़ी है जिसको मैं दुकान में बदलना चाहता हूँ, पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कहाँ से शुरुआत करूँ। अंकल हम आपकी मदद करेंगे। पहले आपको झोपड़ी को रंग करवाने की जरूरत है और इसके ऊपर मछलियों के चित्र बना सकते हैं। यह अत्यधिक रंगदार व सुंदर लगेगा। सिमी यह बात बहुत बढ़िया लगी। आप बाद में खिड़कियों पर सुंदर सिल्क के पर्दे भी लगवा सकते हो। आपको गर्मियों में ठंडक के लिए एसी भी लेना पड़ेगा। कल आप इसकी सजावट के लिए कुछ समुद्र की तस्वीरें भी लगा सकते हो। आप खिड़कियों व दरवाजों के ऊपर छोटी लाइटें भी लगवा सकते हो, इससे आपकी दुकान बहुत सुंदर लगने लग जाएगी। धन्यवाद बच्चों, आपने मेरी बहुत मदद की। अब मुझे हिसाब लगाना पड़ेगा कि इस सब पर कितना खर्चा आएगा। क्या बात है सागर, लगता है कि तुम बहुत व्यस्त हो। सागर ने शिव को अपनी दुकान बनाने की योजनाओं के बारे में बताया। अब मैंने अनुमान लगा लिया है कि इन सब पर कितना खर्चा आएगा। जो पैसे मैंने बचाए हैं वह काफी नहीं होंगे। कहीं आप कोई जरूरी बात तो नहीं भूल रहे? क्या? एक फ्रिज जिसमें आप मछलियां रखोगे। अरे नहीं, मेरे पास तो इसके लिए पैसा ही नहीं बचा। मुझे लगता है कि आपको विचार करना पड़ेगा कि सबसे जरूरी चीज कौन सी है। अब समय आ गया है कि आप अपनी जरूरतों व इच्छाओं में फर्क कर सको। सारी चीजों व सेवाओं का वर्गीकरण हमारी जरूरतों व इच्छाओं के आधार पर किया जाता है। जरूरतें वह होती हैं जो जरूरी होती हैं और इनके बिना काम नहीं चलता है। वस्तुएं जो आप चाहते हो जो कि जरूरी नहीं होती। आमतौर पर जरूरतें वह वस्तुएं व सेवाएं होती हैं जो हमारे जीने के लिए जरूरी होती हैं, जैसे कि भोजन, कपड़े, घर व स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं। इच्छाएं वह होती हैं जिनके बिना हम जिंदा तो रह सकते हैं पर चाहते हैं कि हमारे पास हो, जैसे टेलीविजन, गहने या इलेक्ट्रॉनिक सामान। आओ बनाई गई सूची को देखो, जो चीजें आपने लिखी हैं वह जरूरतें हैं या इच्छाएं? मैं अभी एसी के बिना काम चला सकता हूँ। मुझे अभी सुंदर चित्रों, लाइटों व पर्दों की जरूरत नहीं है। बहुत अच्छा सागर, ये चीजें तुम्हारी इच्छाएं हैं जिनके बिना तुम्हारा काम चल सकता है। जब तुम्हारे पास ज्यादा पैसे होंगे तो ये सारी चीजें खरीद सकोगे। परंतु मुझे इस झोपड़ी की मुरम्मत व लिपाई पुताई की जरूरत है। बहुत अच्छा सागर, आप देख सकते हो झोपड़ी की मुरम्मत व लिपाई पुताई की ज्यादा जरूरत है, पर बजाय इसके कि झोपड़ी को ज्यादा रंगीनदार बनाओ आप इसको साधारण रंग करवा सकते हो। इससे आपका खर्चा भी कम आएगा और काम भी चल जाएगा। सागर आपको और क्या चाहिए जिससे आप अपनी दुकान चला सके, इसके बारे में सोचो। मुझे एक फ्रिज तो जरूर चाहिए जिसमें मैं मछलियां जमा करके रख सकूं।
ताजी मछलियाँ ग्राहकों को दिखाने के लिए शेल्फ की भी जरूरत है। मुझे रोजाना की खास लिस्ट लिखने के लिए एक बोर्ड की भी जरूरत है। मैं एक पंखे की सहायता से मक्खियों को भी दूर कर सकता हूँ। मुझे एक अच्छी ट्यूबलाइट की जरूरत होगी। मुझे लगता है कि जो पैसे मेरे पास जमा है उसके साथ मैं सारी वस्तुएं खरीद सकता हूँ। धन्यवाद शिव अंकल, आपने मेरी बहुत मदद की। कोई बात नहीं सागर, खुश रहो। क्या आपने सुना है जो शिव अंकल ने जरूरतों व इच्छाओं के बारे में बताया है? हाँ, पर यह हमारे साथ किस तरह संबंधित है? शायद हम यह शिक्षा राहुल को उपहार देने के लिए लागू कर सकते हैं। हाँ, हम उसको ऐसी चीज खरीद कर देंगे जो उसकी जरूरत है, ना कि उसकी इच्छा के जो कि वह चाहता है। इसलिए एक वीडियो गेम उसकी इच्छा तो हो सकती है पर जरूरत नहीं। परंतु क्रिकेट बैट उसकी जरूरत है जिसके साथ वह अभ्यास कर सकता है। चलो उसके लिए खरीदते हैं एक क्रिकेट बैट। इसलिए बच्चों ने राहुल को एक क्रिकेट बैट खरीद के दिया और राहुल बहुत खुश था। वाह, आप सबको बहुत धन्यवाद। एक अच्छा क्रिकेट बैट मेरी इच्छा थी। नहीं राहुल, यह तुम्हारी इच्छा नहीं थी, यह तुम्हारी जरूरत थी। धन्यवाद। देखो, जो बात मुझे समझ में आई वो ये है कि वीडियो गेम आशु की इच्छा है और बैट बॉल आशु की जरूरत है। जब बात हो हनी हो जरूरत और इच्छा में, तो एक ही चीज हमें चुननी चाहिए। क्योंकि अब आपको अगर मैं उदाहरण दूं, सीधी सी बात इतनी है कि आप खाना खाते हो, भूख लगती है खाना खाते हो, तो रोटी खाते हो आप, तो रोटी क्या हुई आपकी जरूरत। और पिज्जा क्या हुआ? इच्छा। पिज्जा से पेट नहीं भरता ना। यस मैम। तो हमें क्या, किस चीज को हमें देनी चाहिए? जरूरत को रोटी को। तो उसी तरह से अब अगर वीडियो गेम आशु की इच्छा है और बैट बॉल उसकी जरूरत है, तो हमें क्या देना चाहिए? जरूरत जो होती है वो जरूरी होती है, इच्छा जरूरी नहीं होती। वो अभी हमारा इंतजार कर सकती है। सबसे पहले अगर हमारे पास सीमित पैसे है तो हमें जरूरत को अहमियत देनी चाहिए बजाय की इच्छा के। समझ गए? Yes, अब अगर जरूरत और इच्छा में हरी होगी तो तुम किसको अहमियत दोगे? जरूरत को। वेरी गुड। आशु को क्या चाहिए, वीडियो गेम या बैट बॉल? वीडियो मैम, मुझे वीडियो गेम भी चाहिए और बैट बॉल चाहिए। दोनों चाहिए। वीडियो गेम और बैट बॉल भी एक ही चीज मिल सकती है ना, तो क्या लोगे? मैम हमें समझ नहीं आ रहा क्या लेना है। मैं हेल्प करूं तुम्हारी? यस मैम। अब हम वीडियो देखते हैं। यस मैम। गौरव और उसका बड़ा भाई मानव अगले कुछ दिनों में व्यस्त होने जा रहे हैं। उनके माता पिता ने अपने बीमार रिश्तेदार की देखभाल करने के लिए जाना है। घर से दूर होंगे तो घर की जिम्मेवारी उन दोनों की होगी। बेटा, मैं तुमको 1000 रुपए दे रहा हूँ। मेरे हिसाब से यह पैसे अगले कुछ दिनों के लिए काफी होंगे। पैसों को समझदारी के साथ खर्चना और एक दूसरे का ख्याल भी रखना। मैं सूची तैयार करता हूँ कि हमें कितना और किस पर खर्च करना है। और गौरव दोनों ही बहुत जिम्मेदार बच्चे हैं। उन्होंने अपने घर की सफाई की और अपने सारे काम किए। मानव, मेरी कमीज के बटन टूट गए हैं, मुझे नई कमीज की जरूरत है। नई कमीज? वह तो बहुत महंगी पड़ेगी। पर मुझे चाहिए। नहीं। मानव पैसों के लिए तैयार नहीं हुआ, अतः गौरव निराश हो गया। मानव, मुझे 100 रुपए की जरूरत है, आज सिम्मी का जन्मदिन है, तो मैं सिम्मी को चॉकलेट का डिब्बा गिफ्ट करना चाहता हूँ। मुझे माफ करना, मैं 100 रुपए नहीं दे सकता, यह बहुत ज्यादा है। हमें 1000 रुपए में काम चलाना है जब तक कि हमारे माता पिता वापस नहीं आ जाते। तुम हर चीज के लिए मना कर रहे हो। प्यारे बच्चों, क्या बात है, तुम किस बात पे बहस कर रहे हो? बच्चों ने अंकल को माता पिता के जाने के बारे में और 1000 रुपए के बारे में बताया। मानव, मुझे कुछ भी खरीदने नहीं दे रहा। माता पिता ने हमें पैसे दिए थे पर यह मुझे खर्च ही नहीं करने देता। गौरव, क्या माता पिता ने तुम्हें 1000 रुपए खर्च करने के लिए दिए हैं? परंतु तुम्हें यह पैसे बहुत जरूरी वस्तुओं पर खर्च करने चाहिए। पर मुझे नई कमीज की जरूरत है, पुरानी कमीज के बटन नहीं है। अगर नए बटन लाकर पुरानी कमीज पर लगा लो तो क्या यह सस्ता नहीं पड़ेगा? ओहो,
मैंने तो इस बारे में सोचा ही नहीं, यह तो काफी सस्ता पड़ेगा। बच्चों, तुम्हारे पास अगले कुछ दिनों के लिए जो पैसे हैं, तुम्हें उन्हीं में गुजारा करना पड़ेगा। इसलिए तुम्हें आवश्यकता अनुसार सूची बनानी पड़ेगी कि तुम्हें किन वस्तुओं की जरूरत है। शिव अंकल, गौरव अपने मित्रों के लिए एक चॉकलेट बॉक्स लेना चाहता है और जिसके लिए वह 100 रुपए खर्च करना चाहता है, क्या यह जरूरी है? देखो गौरव, क्या कोई और चीज है जो तुम अपने मित्र को उपहार के तौर पर दे सकते हो? कुछ ऐसा जिस पर ज्यादा खर्च ना हो। मैं उसको लड्डू दे सकता हूँ जो माँ ने कल बनाए थे। ये हुई ना बात। अगर तुम थोड़ा ध्यान से सोचो तब तुम पता लगा सकते हो कौन सी वस्तु ज्यादा जरूरी है, किस पर तुम्हें खर्च करना चाहिए और किस पर नहीं। पिताजी ने मुझे आज बिजली का बिल भरने को कहा था, 350 रुपए का है। मानव, मैंने संगीत की क्लास की फीस भरनी है जो 300 रुपए है। अंकल जी ने क्या कहा था, हमें निर्णय लेना है कि कौन सी चीज ज्यादा जरूरी है। हम उन चीजों पर खर्च नहीं कर सकते जो महत्वपूर्ण नहीं है। गौरव, मुझे लगता है पैसे बिल पर खर्च करने चाहिए। अगर बिल नहीं भरा तो बिजली का कनेक्शन कट जाएगा। मानव, मैंने हमेशा अपने अध्यापकों को अपनी मुश्किल के बारे में बताया है, इसको समझेंगे और फीस बाद में भरने की इजाजत दे देंगे। इसलिए बिजली का बिल भर दिया गया और संगीत की फीस बाद में देने का निर्णय लिया गया। हमारे पास कितने पैसे बच गए हैं? हमारे पास 500 रुपए हैं, बाकी पैसे बिल और सब्जियों पर खर्च हो गए हैं। क्या पिताजी ने माली को बगीचे की सफाई के लिए नहीं कहा था? हाँ, कहा था, यह खर्चा 150 रुपए होगा, मैं कल उसको बुलाऊंगा। पर उसी रात गौरव एकदम बीमार हो गया, बेचारा गौरव। मुझे इसे डॉक्टर के पास लेकर जाना होगा। आशा करता हूँ इसके इलाज के लिए मेरे पास पैसे होंगे। कृपया करके यह दवाइयाँ गौरव के लिए खरीद लेना, एक दो दिन में ठीक हो जाएगा। मानव ने 150 रुपए डॉक्टर की फीस और 100 रुपए दवाइयों पर खर्च कर दिए। मैं अब माली का खर्चा उठाने में समर्थ नहीं हूँ, पर मुझे यकीन है कि यह सही निर्णय है। गौरव का बीमार होना इमरजेंसी था, उसको डॉक्टर के पास लेकर जाना बहुत जरूरी था। मानव, गांव में मेला लगा है, क्या हमारे पास टिकट के लिए 100 रुपए हैं? गौरव, हमारे माता पिता कल वापिस आ रहे हैं। मेला 10 दिन तक रहेगा, इंतजार करो। क्या हम कर सकते हैं? हाँ मानव, तुम सही हो, अगर डॉक्टर के पास जाने जैसी इमरजेंसी आ जाए बेहतर है कि हम पैसा बचाकर रखें। अगले दिन उनके माता पिता घर वापस आ गए। वह यह देखकर खुश थे कि बच्चों ने अच्छे तरीके से प्रबंध किए। बहुत अच्छे मानव और गौरव, मुझे तुम पर गर्व है कि तुमने अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाया है। इसके अलावा तुमने कुछ पैसे बचा भी लिए हैं। इनाम के तौर पर बच्चों को मेला घूमने और बहुत सारे कॉटन कैंडी खाने का मौका मिला। धन्यवाद। जैसे कि आपने देखा है कि सिमी, गौरव और उसके दोस्तों के बीच विचार चल रहा था कि उनके दोस्त राहुल के जन्मदिन पर उसको क्या उपहार दिया जाए। मान लीजिए आप भी इस तरह की स्थिति में हो, आप अपने दोस्त के लिए किस तरह का उपहार देना चाहोगे? इस क्रिया को करने के लिए 3-3 बच्चों का समूह बनाएं। मैं अध्यापक जन से निवेदन करूंगा कि वो कक्षा में देखें कि बच्चों का समूह बन पा रहा है कि नहीं। समूह के बाकी 2 बच्चे सुझाव पेश करेंगे उपहार के लिए, जरूरत क्या है और इच्छा क्या है। उपहार के लिए जो सुझाव दिया है उसे उसके 2 फायदे व 2 नुकसान बताएं। तो हर समूह में जो है जो बच्चे बैठे हैं वो 2 फायदे और 2 नुकसान बताएंगे उपहार के। ये तय करें कि एक उपहार को तय करने के लिए कौन सा पहलू अतिरंजित होता है। तो ये देखना भी बहुत जरूरी है कि कौन सा उपहार जो है ज्यादा जरूरी है, आवश्यक है। अध्यापक जन से निवेदन करूंगा कि ये क्रिया कराने में बच्चों की मदद करें और देखें बच्चे अपने नोटबुक पे क्या उत्तर लिख पा रहे हैं।
तो मुझे लगता है काफी बच्चों ने इसका उत्तर लिखा होगा, तो हम एक छोटा सा उदाहरण दे सकते हैं इसमें कि जैसे अगर आपने इस स्थिति में है और आपने अपने किसी दोस्त को कुछ उपहार देना है, तो उपहार में आप कुछ पॉइंट्स बनाएंगे कि मुझे उसको स्कूल बैग देना है, चॉकलेट का डब्बा देना है, या फिर उसको कोई ड्रेस देनी है, या फिर और भी कोई पार्टी वेयर ड्रेस देनी है, कोई एक अन्य खिलौना देना है, वीडियो गेम देनी है, क्रिकेट बैट देना है। तो आप ऐसे कुछ पॉइंट्स बनाइए जो जो उसकी जरूरतें हैं और इच्छाएं हैं। तो आपको उसके बाद ये देखना है कि उनके जो आपने ये पॉइंट्स बनाए हैं, क्रिकेट बैट है, वीडियो गेम है, कि इनके क्या फायदे हो सकते हैं और क्या नुकसान हो सकते हैं। अगर हमने उसको ये उपहार के रूप में दिया है, क्रिकेट बैट दिया है, तो क्या उसको ये चीज जरूरी है? अगर हम इसको रोक सकते हैं, कुछ दिनों बाद क्रिकेट बैट दे सकते हैं, तो क्या वो इसके बिना काम चला सकता है? तो आपको ये क्रिया करने के लिए एक लिस्ट बनानी पड़ेगी, आपको सब कुछ तय करना पड़ेगा कि आपकी क्या जरूरत है और क्या इच्छाएं हैं। बिल्कुल सही कह रहे निधि जी, यहाँ पर बच्चों को देखना है कि क्या जुड़ते हैं उपहार देने के लिए, हमें क्या देखना चाहिए कि जिसको हम उपहार दे रहे हैं उसके लिए क्या जरूरत है, क्या वो उपहार उसके काम आएगा, क्या वो उपहार कुछ समय के लिए काम आएगा या कुछ और हमें देना चाहिए जिसकी उसको जरूरत है। तो ये तय करना यहाँ पे बहुत जरूरी, एक सूची बनाइए और देखें कि जब आप उपहार दे रहे हैं तो जिसको आप उपहार देना चाहते हैं उसके लिए वो उपहार कितना जरूरी है। हम एक क्रिया करते हैं। कृष्णा पेशे से एक बिक्री प्रतिनिधि है। अर्जुन उनका 18 साल का बेटा है जो स्थानीय कॉलेज में एक दूसरे वर्ष का छात्र है। ये कुछ सामान्य चीजें हैं जो उनके घर में आवश्यक हैं। इसका विश्लेषण, सराहना और वर्गीकृत करें कि कृष्णा की आवश्यकता क्या है और अर्जुन के लिए कौन सी चीज जरूरी है। तो प्यारे बच्चों, इस तालिका में आप देख सकती हैं कि एक तरफ आपको वस्तुएं दी गई हैं, आपको बताना है कि ये वस्तुएं जो है कृष्णा और अर्जुन के लिए जरूरत है या इच्छाएं हैं, किसके लिए वो जरूरत बनेगी, किस चीज के लिए वो वस्तु इच्छा बनेगी, इस तरह आपको ये वर्गीकृत करके बताना है। मैं निवेदन करूंगा अध्यापक जन से कि वो बच्चों की मदद करें इस प्रश्न का उत्तर देने में और जांचें बच्चे इस प्रश्न का सही उत्तर दे पा रहे हैं कि नहीं। जैसे मोबाइल फोन है वो कृष्णा के लिए जरूरत है क्योंकि वो एक सेल्समैन है, प्रतिनिधि है, जिसको इधर उधर बात करने की जरूरत पड़ सकती है। जो अर्जुन है वो अभी सिर्फ कॉलेज में पढ़ रहा है तो उसको अभी मोबाइल फोन की कोई जरूरत नहीं है। और मोटरसाइकिल है वो कृष्णा के लिए जरूरत है क्योंकि उसको किसी अन्य व्यक्ति से मिलने के लिए इधर उधर बहुत जाना पड़ता है, घूमना पड़ता है, इसलिए मोटरसाइकिल कृष्णा के लिए जरूरत है क्योंकि उसके व्यापार में भी वो काम आएगा। अर्जुन ने कॉलेज का छात्र है जो बस का भी उपयोग कर सकता है अपने कॉलेज जाने के लिए। और लाइब्रेरी की सदस्य या मेंबरशिप है तो ये जरूरत हम अर्जुन के लिए मानेंगे क्योंकि वो एक कॉलेज में पढ़ता हुआ छात्र है, उसको लाइब्रेरी में बुक्स की बहुत जरूरत पड़ेगी। और ये कृष्णा के लिए इच्छा हो सकती है क्योंकि वो इन चीजों के लिए अभी उसको इसकी कोई जरूरत नहीं मानता क्योंकि उसका शौक हो सकता है, इसलिए जो कृष्णा है वो लाइब्रेरी की मेंबरशिप ले सकता है या नहीं ले सकता, उसकी इच्छा है। पर अर्जुन के लिए वो जरूरत है क्योंकि वो छात्र है, उसको पढ़ना है, उसको आगे बढ़ जाके सीखना है, इसलिए वो लाइब्रेरी की सदस्य है, उसके लिए बहुत जरूरी है। प्रिंटर है जो कृष्णा के लिए जरूरत है क्योंकि उसको अन्य लोगों को कुछ ना कुछ निकाल कर देना पड़ता है, कागज निकाल के देने पड़ते हैं, जैसे कि बिल वगैरह जो है। हाँ। जैसे वो सामान बेच रहा है दुकान पे तो उसका बिल जो है उसको निकाल के देना पड़ता है, इसलिए प्रिंटर की उसको आवश्यकता है। और अर्जुन को अभी इस चीज की कोई प्रिंटर की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि वो जो उसने नोट्स बनाने हैं वो लाइब्रेरी से भी बना सकता है नोट्स। बिल्कुल सही। और पिट्ठू बैग और ट्रॉली के साथ जो जरूरत है कृष्णा की क्योंकि उसको इधर उधर जाना पड़ सकता है, घूमना पड़ सकता है, तो अपना सामान डालने के लिए उसको एक बैग की जरूरत पड़ सकती है, जो अर्जुन के लिए सिर्फ एक इच्छा हो सकती है क्योंकि उसको अभी पिट्ठू बैग और ट्रॉली के जो ट्रॉली के साथ है उसको कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल सही कह रहा है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारे जरूरतें वो हैं जिसके बिना हमारा जो कार्य है वो पूर्ण नहीं हो सकता, वो पूरा नहीं हो सकता। तो जरूरतें जो है वो हमारी पहचानना बहुत जरूरी है। हम चीज कोई खरीदने जाते हैं जहाँ खरीदना चाहते हैं उसको, ये उससे पहले ये निर्धारित करना बहुत जरूरी है कि वो हमारी जरूरत है या इच्छा है, हमें उस पर पैसा खर्च करना चाहिए या कुछ समय बाद खर्च करना चाहिए।
चलिए आगे बढ़ते हैं, एक क्रिया करते हैं। नीचे सूचीबद्ध समय समय पर और अप्रत्याशित व्यय के जोड़े हैं, आप कौन से भुगतान पहले करेंगे? प्यारे बच्चों, आप इस तालिका में देख सकते हैं कि आपको व्यय बताए गए हैं, अलग अलग तरह के व्यय बताए गए। आपको प्राथमिकता देना है कि आप पहले किसको प्राथमिकता देंगे और आप दूसरे तौर पे आप किसको प्राथमिकता देंगे, पहल किसको देंगे और दूसरी जो है प्राथमिकता किसको देंगे। चीजें ये दोनों जरूरी हैं आप लोगों के लिए, पर आपको प्राथमिकता देनी है किसी एक को। तो मैं अध्यापक जन से निवेदन करूंगा कि वो बच्चों की मदद करें इस प्रश्न का उत्तर देने में। चलिए इस प्रश्न के उत्तर की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं इसके क्या सही उत्तर हो सकते हैं। तो जैसे कि पहले आपने ऑप्शन जो है जो व्यय देखा वो है मनियारी या करियाना। अगर आपको मनियारी या करियाने पर खर्च करना है तो आप पहले किसको प्राथमिकता देंगे, आपके ये पहला खर्चा कौन सा होगा? तो जैसे कि हमने देखा यहाँ पर करियाने का जो खर्चा है उसको पहल देंगे, क्योंकि करियाने के खर्चे में हमें रोजमर्रा की जिंदगी के खाने पीने का सामान मिलता है। तो मनियारी के दुकान पे हमें जो है कुछ जो अपनी इच्छाएं के अनुसार चीजें हैं, वस्तुएं हैं, उसको खरीदना होता है। तो किराना जो है, जो दुकान किराने की है, उसमें हमें अपनी जरूरतों की जो है वस्तुएं मिलती हैं, इसलिए इसको प्राथमिकता देना अति आवश्यक है। दूसरा हमने व्यय देखा ट्यूशन फीस और स्कूल वर्दी। आप ट्यूशन फीस या स्कूल वर्दी में से किसको प्राथमिकता देंगे? मेरे ख्याल से सभी बच्चे इसका उत्तर दे पाए होंगे, क्योंकि स्कूल वर्दी जो है वो सबसे प्राथमिकता है हमारी, क्योंकि स्कूल में एक वर्दी जो है तय की जाती है जिसको पहन के सबके लिए आना अनिवार्य है। ट्यूशन फीस को आप टाल सकते हैं, आप ट्यूशन के बिना भी पढ़ सकते हैं, इसलिए इसको हम दूसरी प्राथमिकता पे रखेंगे। इसी तरह हम तीसरे तो व्यय को देख सकते हैं कि टेलीविजन केबल या टेलीफोन बिल को आप में से किसको ज्यादा प्राथमिकता देंगे? तो टेलीफोन बिल जो है उसको ज्यादा प्राथमिकता देना बनता है, क्योंकि अगर आप किसी से वार्तालाप करना चाहते हैं, दूर संचार से आप किसी से बात करना चाहते हैं, तो आपको टेलीफोन बिल अदा करना है, वो ज्यादा जरूरी रहेगा, क्योंकि इसको टेलीफोन का जो है कनेक्शन जो है वो आपको आपका कट सकता है घर में। टेलीविजन केबल जो है वो आपके लिए अति आवश्यक नहीं है, आप उसके बिना भी जा सकते हैं। अगर आपको अगर न्यूज वगैरह सुनना है या जानना चाहते हैं कि आप रोज की जिंदगी में आपके क्या अपडेट्स हो रहे हैं, तो आप है एक अखबार देख सकते हैं, अखबार के जरिए जान सकते हैं कि रोजमर्रा की जिंदगी में क्या क्या जो है नई नई गतिविधियां हो रही हैं। तो चौथा जो व्यय है वह स्वास्थ्य बीमा या जिम सदस्य। स्वास्थ्य बीमा जो लेना वो अति आवश्यक है, क्योंकि सेहत जो है उसको प्राथमिकता देना बहुत जरूरी है। अगर आपकी सेहत है तभी आप काम कर पाएंगे। हालांकि जिम सदस्यता जो है वो भी प्राथमिकता में आता है, आप जिम जो की सदस्यता को टाल सकते हैं कुछ समय के लिए, बट अगर आप अचानक बीमार पड़ गए हैं और आपको स्वास्थ्य सुविधाएं चाहिए तो आपके लिए स्वास्थ्य बीमा होना बहुत जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो व्यय है वो हमने बताया नए कपड़े या कुकिंग गैस। आपको नए कपड़े या कुकिंग गैस खरीदना है तो आप सबसे पहले प्राथमिकता किसको देंगे? सबसे पहले मेरे ख्याल रजनी जी कुकिंग गैस को देना बनता है, क्योंकि अगर आदमी खाएगा नहीं तो आदमी जी भी नहीं सकता है। खाना जो है हमारे लिए बहुत जरूरी है, इसलिए उसके लिए कुकिंग गैस बहुत जरूरी है। नए कपड़े खरीदना आप टाल सकते हैं, आप कुछ समय बाद भी ले सकते हैं। अस्पताल में भर्ती अगर होते हैं तो उस पर खर्च करना जो है वो ज्यादा जरूरी है या बिजली का बिल देना ज्यादा जरूरी है? मेरे ख्याल से मैंने पहले भी आपको बताया कि अस्पताल में अगर भर्ती होते हैं जहां आप बीमार पड़ जाते हैं तो उस पे ऊपर खर्च करना अति आवश्यक है, उसको प्राथमिकता देना अति आवश्यक है। अगर बिजली का बिल है तो उसको हम किस समय के लिए टाल सकते हैं, अगर हम थोड़ा ठहर के भी उसका बिल अदा कर देंगे तो हमारा जो है काम चल सकता है। पर अगर आदमी अचानक बीमार पड़ जाता है तो उसके लिए अस्पताल में अगर वो भर्ती हो जाता है उसके लिए खर्चा करना अति आवश्यक है। अगला जो व्यय बताया गया है वो दवाएं या घर का किराया है। दवाएं पे खर्च करना या घर के किराए पे खर्च करना कितना जरूरी है? फिर मैं यहाँ पर दोहराना चाहूंगा कि स्वास्थ्य संबंधी जितने भी सेवाएं प्राप्त करना वो अति आवश्यक है। दवाएं प्राप्त करना अगर बीमार हैं वो बहुत ज्यादा आवश्यक है, जरूरी है। और घर का किराया कुछ समय के लिए टाल सकते हैं, आपको कुछ समय भी मिल सकता है मालिक की तरफ से उसको उसका किराया अदा करने के लिए। कि वो आज के सेशन का जो है फीडबैक इस ईमेल आईडी पे जुड़ दें tefeshariana@gmail.com और आज का सेशन कैसे लगा इसके बारे अपने विचार जरूर साझा करें। नमस्कार।